स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सिरसा जिले की एलनाबाद सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस सीट को अभय सिंह चौटाला ने भाजपा जजपा के गोविंद कांडा को 6,739 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की है। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला को 65,798, भाजपा जजपा के गोविंद कांडा को 59,189 तथा कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को 20,857 वोट प्राप्त हुए। अभय सिंह चौटाले की जीत की खुशी में सढ़ौरा इनेलो के कार्यकर्ताओं ने सढ़ौरा बस स्टैंड चौक पर खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे व ढोल की थाप पर खुशियां मनाई। खुशियाँ के खुशियाँ का माहौल है। तो लिए अब बात करेंगे मैडम सुषमा जी से, इनेलो की नेत्री है। तो आज किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है? आज चौधरी ओम प्रकाश चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद से इलेक्शन लड़के एक किसान और मजदूरों की एक जो पार्टी है किसान मजदूरों की एक जीत हुई है। आज जो किसानों के बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ाई लड़ रहे थे आज उसको एक जीत के रूप में हम सब मना रहे हैं यहाँ पर, और आज असत्य पर एक सत्य की जीत भी हुई है। इस जीत से आगे पार्टी कितनी मजबूत होगी, आप क्या 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 कहना चाहेंगे? देखो एक ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन तो नहीं था, एक उपचुनाव था, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और इंडियन नेशनल दल पार्टी अब ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर आगे आप सबके सामने आएगी। धन्यवाद। हाँ और मंच परम जी बताइए जरा आज क्या विषय था, कितनी खुशी आज आप मनाई जा रही है? आज पूरे हरियाणा में और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में इंडियन नेशनल लोकदल के जीतने की खुशी है, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद और सत्ताधारी सरकार को हराकर भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो जीत हासिल की वो बहुत मायने रखती है। इससे वर्करों में एक जज्बा एक हौसला पैदा हुआ है, और साथ ही ये जीत इंडियन नेशनल लोकदल की ही नहीं, भाई अभय सिंह की ही नहीं, बल्कि किसान और मजदूर की जीत है, पूरे देश की जीत है, पूरे प्रांत की जीत है। और मैं इस बीजेपी सरकार को बताना चाहता हूं कि अब आप जाने वाले दिनों में आपकी गिनती हो गई है, और आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, गरीब और कमेरे की सरकार होगी, किसान की सरकार होगी, छोटे व्यापारी की सरकार होगी। तो मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े और भाई अभय सिंह जी को आने वाला सीएम बनाए। जय हिंद, धन्यवाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। करेंगे संदीप गुर्जर जी से, इस जीत के क्या मायने हैं जी, कितना राजनीति में इसका इस जीत का जो है वो रहेगा? इस जीत के हरियाणा प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की जो राजनीति आज चल रही है उसमें जीत के बहुत मायने हैं। आने वाला टाइम इस जीत ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में सरकार बनाने में और सेंटर में इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी भूमिका रहेगी सरकार बनाने में, इसको इन्होंने फाइनल कर दिया जी। तो क्या प्रदेश में एक बार फिर से इनेलो पार्टी उभर के आएगी? बिल्कुल, इस जीत के बाद इनेलो पार्टी अपनी पूरी मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, फिलहाल हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष के अंदर कांग्रेस इस टाइम बिल्कुल जीरो की स्थिति में है। जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, उन मुद्दों को उठाने में बिल्कुल विफल रही है। आज हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अभय सिंह चौटाला जी बेशक विपक्ष में इकलौते एक विधायक होंगे, लेकिन जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाने का दम अगर किसी में है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला में है, और आने वाले टाइम में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा के अंदर 100% बनेगी। यानी कितने श्योर हैं कि 3 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे
तो इनेलो एक बड़ी शक्ति के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। इसके बिल्कुल श्योर इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको यही बात की ना कि मजबूत विपक्ष का काम इनेलो पार्टी ही करेगी, क्योंकि अभी तक जो 30 सीटों वाली कांग्रेस की सरकार है वो विपक्ष के मामले में बिल्कुल जीरो रही, जनता की आवाज़ उठाने के मामले में वो बिल्कुल जीरो रही। और अभय जी चौटाला जी से मैं पूरी उम्मीद है कि अपनी पूरी टीम को साथ लेके मजबूती से 3 साल काम करेंगे, तो निश्चित ही जनता उनके काम को देखकर, उनके साहस को देखकर, उनकी बात को देखकर उनके साथ आएगी, ये निश्चित है। धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दाऊ देवी लाल हमारे।